चोटा ओम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि नमो नमः श्रोम श्रोम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि स्वाहा। इसको खड़े रह करके क्या करके खड़े रह करके बोलना चाहिए जपना चाहिए सिद्ध। दूसरा और बड़ा मंत्र नरसिंह भगवान का तीन बार बोलना श्रोम श्रोम ओम श्रोम 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 नरसिंहाय फिर तीन बार श्रोम 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 फिर बोलना एम रीम क्लीम क्लीम स्वाहा। ये सबसे तेज मंत्र है भाई, इसको जो है जल में स्थिर होकर के बोलना चाहिए। इससे स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण हो जाता है और स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर जानते हो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर स्वजन पालन पोषण भगवान विष्णु कर देते हैं। और देखो और एक छोटा सा मंत्र बिल्कुल एम है, बहुत छोटा मंत्र है क्रीम श्रोम, दो ही शब्द कितने ओम क्रीम और श्रोम ओम क्रीम श्रोम ओम क्रीम श्रोम। इसका जपन करो, इसके जपन करने से यह हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो सोया हुआ रहता है एकदम जागृत हो जाता है और एकदम जागृत होने से स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर छिपी हुई सिद्धियां है जो छिपी हुई शक्तियां है वो एकदम कुंडली के साथ ही साथ उजागर हो जाती है और जो है स्वाधिष्ठान चक्र का साधक जागृत हो जाता है। स्वाधिष्ठान की देवी एकदम आकर आकर के उसे वरदान देती है कि भाई तुम सब कुछ सिद्ध हो जाओ सिद्ध पुरुष बन जाओ। वरदान देती मातेश्वरी उसको, मैं तुम पर प्रसन्न हो गई तुम्हें वाचा सिद्धि का जो है वरदान देती हूँ, जो तुम मुझसे कहोगे अगले आदमी का सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और जो कुछ भी रोग वगैरह सब उसके नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मातेश्वरी उसको साधक को किसको जो इसकी साधना करता है स्वाधिष्ठान चक्र की और जो इन मंत्रों का साधन करता है उसको मातेश्वरी ऐसा वरदान दे देती है। अरे यहाँ विष्णु का जल में तो विष्णु का वास है तो विष्णु के मंत्र भी ओम नमो नारायणाय। और नारायण नार किसे कहते जल को कहते हैं और अयन ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ये जब सबसे अच्छा कोई गड़बड़ी कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सीधा सरल मंत्र है। आप कमरे में बैठ जाइए निर्जन एकांत में बैठ जाइए और दीपक जला दीजिए अगरबत्ती जला दीजिए स्वाधिष्ठान का चक्र का चित्र आता वो लगा दीजिए फिर आप जपना शुरू करिए ओम नारायणाय नमः ओम नारायणम और दूसरा वासुदेवाय नमः।